हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आज हम गाड़ी पे वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है वरना। तो कपड़ा मारना चालू है, शिवम मेरे साथ में है और आज हम वरना का शूट कर रहे हैं। तो ये गाड़ी इंडियन मोटर्स के ऊपर आपको पता है एज ऑलवेज। तो आज इस गाड़ी पर वीडियो बनाएंगे और इस गाड़ी में आपको क्या सब मिल जाता है, मॉडल वगैरह सब लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम गाड़ी का स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। सिनेमैटिक्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। तो हियर इज द गाड़ी और ये है वरना टॉप एंड मॉडल पेट्रोल वर्जन और ये है मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं है। और इसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या है मैं ओवरऑल दिखा देता हूँ। तो अलॉयज जो इसके पेंट करे हुए हैं, यहाँ पे ऐसी कुछ लाइट लगी हुई है प्रोजेक्टर में और विंडोज़ भी जो है ब्लैक कर दिए गए हैं। सारे ही टायर कलर कराए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा स्पॉइलर लगा हुआ है। उसके ऊपर आपको टेल लाइट की एक स्ट्रिप मिल जाएगी रेड कलर की और यहाँ पे भी एक रेड कलर की आपको स्ट्रिप मिल जाएगी। जब आप ब्रेक दबाओगे तो ये रेड कलर की स्ट्रिप चमकेगी, तो मतलब लाइट लगेगा तो बहुत शानदार दिखेगा। और पीछे में टेल सेक्शन देख सकते हो आप, ऐसा कुछ टेल सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा क्लास और नीट एंड क्लीन लग रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी लाइट अच्छी खासी है और ह्यूंडई की है, 1.6 लिखा हुआ है, MS05 रजिस्टर्ड है, ह्यूंडई का लोगो मिल जाएगा यहाँ पे। इंडियन मोटर्स यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में भी इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप ऐसे कुछ इसके एग्जॉस्ट है, ड्यूल पाइप है, पीछे में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा बोथ द साइड्स। यहाँ पे आपको देख सकते हो कैमरा मिल जाएगा रेयर व्यू के लिए, अगर आप रेयर में अगर रिवर्स में जाते हो तो उसके लिए आपको कैमरा पीछे में मिल जाएगा। और क्रोम में इसके हैंडल्स है, क्रोम स्ट्रिप्स यहाँ पे है, देख सकते हो बहुत ही शानदार गाड़ी है। और टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे हम अगर आएंगे तो नीचे में देख सकते हो आप यहाँ पे LED लाइट्स लगे हुए हैं और हैलोजन में ही इसके लाइट्स है, तो यहाँ पे खैर LED नहीं है। LEDs में इसका एक जो लाइट है वाइट कलर का और इसमें येलो कलर के हैलोजन्स भी है और इसके इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन में मिल जाएंगे। फॉग लैम्प देख सकते हो, फॉग लैम्प भी हैलोजन में है। ऐसी कुछ सामने की ग्रिल है, ऊपर में भी एक ग्रिल मिल जाती है, ऐसी कुछ ग्रिल है। यहाँ पे क्रोम और यहाँ पे हुंडई का लोगो जो कि थोड़ा सा गीला हो गया, यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे भी आपको LED लाइट मिलेगा और यहाँ पे हेडलाइट जो है हैलोजन में मिलेगा, इंडिकेटर भी यहाँ का हैलोजन है। और ये साइड से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, यहाँ पे भी लाइट मिल जाएगा। और अभी चल जाए गाड़ी के अंदर और अंदर से गाड़ी कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ऐसी कुछ अंदर से गाड़ी है और यहाँ पे देख सकते हो आप ये जो है ना ये सेंसर है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो अपने आप गाड़ी आपकी खुल जाएगी ब्लैक कलर के ऊपर। तो अभी जाते हैं गाड़ी के अंदर और हियर इज द ऑसम फंक्शन जो कि है ये स्टार्ट स्टॉप बटन। तो चाबी मेरे जेब में है और अभी हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो यहाँ से हम जस्ट प्रेस करेंगे गाड़ी की बटन और अभी हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। और कितना सुंदर मीटर लगता है यार ये वरना का। देखिए यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा, दैट इज़ टैकोमीटर, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में आपका ओडोमीटर मिल जाएगा, बाकी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, फ्यूल का शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको वो कार का टेम्परेचर बता देगा पे फ्यूल का फिर से और बहुत कुछ। और अगर मैं ये सीट बेल्ट नहीं लगाता हूँ तो वहाँ पर ये भी इंडिकेशन जो है सीट बेल्ट का आ जाएगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये वाइपर के वगैरह कंट्रोल वो सब मिल जाएगा के बोलो, वाइपर्स के बोलो। ये देखिए यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल आ जाते हैं, यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक लाइट्स के फंक्शन आ जाएंगे, यहाँ से भी आपके लाइट्स के फंक्शन आए, यहाँ पे आपके जो है ये मिरर जो है एडजस्ट हो जाएगा आपको कैसा चाहिए। ये जो मिरर दिख रहा है आपको तो ये भी एडजस्टेबल है ऑटोमेटिक और यहाँ से जो है आपके डोर के विंडोज़ जो है वो ओपन होंगे। मैं करके दिखाता हूँ, तो मैंने ये बंद इसलिए करके रखी है जस्ट बिकॉज बाहर का आवाज़ आता है इसलिए। तो यहाँ से आपके डोर्स खुल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ डोर्स हैंडल दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ एरिया नहीं है, आप जस्ट ऐसे हाथ रख के बैठ सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आप बॉटल वगैरह कुछ भी अपना स्टफ कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे और यहाँ पे से आपका बोनट ओपन हो जाएगा नीचे में से। और यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे 1, 2, 3 और वो 4। और यहाँ पे ग्लोव बॉक्स देखेंगे तो ऐसा कुछ है। इन्फोटेनमेंट देखिए आप कितना ज़ोरदार लग रहा है इसका, यहाँ से आराम से कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ पे हम ऐप्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐप शो हो जाएगा, गूगल, यूट्यूब, आप कुछ भी लगा सकते हो, मतलब फुल एंटरटेनमेंट है बॉस। और आपको बीच में जो है
यहाँ पे ये मिलेगा, तो यहाँ से कंट्रोल होगा साउंड। तो इसका साउंड हम थोड़ा बढ़ा देते हैं और प्ले करते हैं हमारा रेडियो। वाओ मैन का सॉन्ग लगा है, बहुत सही। तो इसको 2 मिनट हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम आवाज़ कम कर देते हैं और अभी देखते हैं गाड़ी का स्टेयरिंग। देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे वॉइस जो है म्यूट का फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉल जो कुछ आता है, कॉल आता है तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन कर सकते हो। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट में आप नहीं के इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो ये बटन से। और ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील है। और अगर हम बात करेंगे इसके साउंड की हॉर्न के, तो ऐसा कुछ साउंड है हॉर्न का। और इंफोटेनमेंट देख सकते हो आप कितना ही औसम है और कितना ही बड़ा है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो और बहुत कुछ। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको साउंड सुनाऊंगा गाड़ी की। तो हम करेंगे यहाँ से प्ले और साउंड सुनेंगे। वो सॉन्ग 92.7 में गाने नहीं लगे हैं, आवाज सही है, बेस आ रहा है अच्छा खासा। तो बेस काफी अच्छा आ रहा है, बहुत सही बेस है। और इसको अभी करते हैं हम बंद। तू बंद हो जा भाई। और इसका जो ये है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा है। यहाँ पे देखो आप ऐप में चले जाओ, बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिव है, कोई लैग नहीं कुछ नहीं। और टॉप एंड है भाई, क्या दिखना पड़ेगा। और वहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिक मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आपको छोटी सी स्पेस मिल जाएंगी, स्पीकर्स मिल जाएंगे वो साइड में, एयरबैग वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और एयरबैग्स कहाँ पे है, इसमें एयरबैग मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे भी आपके छोटे ट्विटर वगैरह वो सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ डिसअपॉइंट करी कि यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर तो मिल जाता है लेकिन लाइट नहीं मिलता है टॉप एंड मॉडल होके भी। तो ये एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। बाकी आप इसको सन वाइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा निकाल के ऐसा साइड में लगा लो तो आप बच जाओगे आप धूप से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ ये रेयर व्यू मिरर है, लाइट्स है, यहाँ पे आपका गॉगल होल्डर या फिर सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, मतलब पैसेंजर के लिए मिरर मिल जाएगा, वैनिटी मिरर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे ग्रैब एरिया है, यहाँ पे सीट बेल्ट्स है और सीट देख सकते हो ऐसे कुछ सीट्स है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका आर्म रेस्ट जो कि सामने होता है क्या, यस होता है। यहाँ पे आर्म रेस्ट है, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका है गियर जो कि है मैनुअल। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 12 वॉट का आपको एक सिगरेट लाइटर पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे ऑक्स है और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। और फिलहाल हम स्क्रीन को करते हैं बंद। और आगे का ऐसा कुछ सीन है, आपके सीट्स भी एडजस्टेबल है, आप यहाँ से नीचे से आराम से कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक रहना चाहिए था, मेमोरी सीट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल है। आगे का ऐसा कुछ सीन है। और अभी चलते हैं हम पीछे में शिवम की जगह पर और वहाँ जाके देखते हैं कि पीछे से कैसा व्यू है गाड़ी का। चलते हैं हम पीछे और यहाँ पे शिवम बैठा हुआ है पीछे में। तो ऐसी कुछ सीट्स है पीछे की जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल है। मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे कंफर्टेबल गाड़ी में बैठा हूँ, वरना मैं बैठा हूँ एक्चुअली फेवरेट गाड़ी है ना, इसलिए लगता है वैसा सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ मतलब ये लेदर जैसा ही फिनिश में है, यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है। और ऐसा बहुत लो लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत नीचे बैठा हुआ हूँ, नीचे ऐसा ग्राउंड लेवल से। तो यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, ऐसी कुछ स्पेस है। सीट्स मेरी ज़्यादा आगे नहीं थी, पीछे ही थी, तो ऐसी कुछ आपको स्पेस मिल जाएगी बीच में। और यहाँ पे देख सकते हो आप ऐसा कुछ यहाँ पे एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे इसकी हाइट है 5'10", तो इसकी हाइट देख सकते हो आप। यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है क्योंकि ये सीट बहुत ज़्यादा मतलब पूरी पीछे आ गई है। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलेगा, तो इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा, आर्म रेस्ट नीचे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपने फ़ोन वगैरह छुपा के रख सकते हो या फिर कुछ अपना सामान आराम से रख सकते हो। तो पीछे में आपको एक लाइट मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रैब एरिया मिल जाएगा और सीट्स अच्छी खासी कंफर्टेबल है। बाकी एयर बैग यहाँ पे कोई लिखा तो नहीं है, लेकिन होंगी एयर बैग, टॉप एंड मॉडल है तो होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था एयर बैग होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एक एयर बैग है, यहाँ पे एक एयर बैग, 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ पे 4 एयर बैग्स तो ये हो गई। और बाकी अगर जैसे दिखता है वैसे बता दो।
और पीछे का तो खैर यही सीन था, और अभी हम गाड़ी का मॉडल वो सब डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिल जाती है जिसमें आप कुछ डॉल्स या फिर कुछ ऐसा कुछ रख सकते हो। यहाँ पे आपको मिरर के ऊपर जो है डीफॉगर मिल जाएगा, तो पीछे का जो सॉरी मिरर नहीं बोलते इसको, जो ग्लास है इसके ऊपर डीफॉगर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप मतलब बारिश में वगैरह ट्रैवल करते हो तो क्या होता है ना कि पीछे में बहुत ऐसा फॉग जम जाता है, तो वो कम कर देता है, आपको पीछे का पूरा क्लियर व्यू इसमें दिख जाएगा ये मिरर में। तो अभी चलते हैं आगे और एक और बार गाड़ी का साउंड सुनते हैं, मेरा मन नहीं भरा है। तो एक बार और फिर से मैं आपको गाड़ी का साउंड सुना देता हूँ। और मैं आगे इसलिए आया क्योंकि अभी एसी चालू मांगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है और पूरी आँखें ऐसी लाल लाल हो गई है ना, ऐसा नशेड़ी जैसे दिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक बार साउंड सुना देते हैं और थोड़ी देर में बैठता हूँ और स्क्रीन पर आपको जो है डिटेल्स आ रही होगी स्क्रीन पर दे देता हूँ इतना जो कुछ है। और अभी सुनते हैं गाड़ी का साउंड। ये देखिए ये वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है बिकॉज हमारा नेट नहीं चल रहा है, साउंड बढ़ा के देखते हैं। तो ऐसा कुछ रहा वीडियो और होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं, बाय।